हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी क्लासेस। मेरा नाम है अमन वर्मा, आई एम अ कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं ये क्लास 12 के लिए हैं प्रॉपर। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम 1 फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए ये इस चैप्टर में आपको क्या समझना है। एक्चुअल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, प्लस जो भी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है अकाउंट्स के साथ उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी सीरीज चलेगी जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा और क्वेश्चन भी किए जाएंगे। ठीक है गाइस, देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेम से पता चल रहा है नॉन प्रॉफिट। देखिए अगर कोई नॉर्मल बिजनेस अगर आप करते हो ना तो उसका सीधा सीधा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, यहां पर एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव जो है ना वो है सोशल वेलफेयर। एक्चुअलिटी में अब ये सोशल वेलफेयर के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरीके से बात की जा सकती है। देखिए प्रॉफिट तो नहीं है, क्या है सोशल वेलफेयर? एजुकेशनल, सोसाइटी के लिए काम करना, गरीब बच्चों को की जो स्टडी का एक्सपेंस है उसको मीट आउट करना, इस तरीके के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है और उसका वर्क और वर्क सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करना होता है, तो ये आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें अब भैया बात आएगी फीचर्स की, फीचर्स से आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फीचर्स की। जो पहला फर्स्ट फीचर आता है यहां पर एंटिटी, देखिए किस टाइप की एंटिटी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जस्ट लाइक अ कंपनी। ठीक है, डिफरेंट है, जो मेंबर है वे अलग है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट लेवल पर है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा। सेकंड, अब पर्पस क्या है, देखिए पर्पस सीधा साधा सोसाइटी के लिए वर्क करना है। आपकी भी सिटीज में कुछ क्लब या सोसाइटीज क्रिएट की गई हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस होता है, प्रॉफिट अर्न करना पर्पस नहीं होता है। थर्ड पॉइंट यहां पर आता है ओनरशिप। देखिए मालिक कुछ नहीं होता, ये ट्रस्ट की तरह क्रिएट की जाती है, एक ट्रस्ट क्रिएट की जाती है और ओनरशिप जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स बनते हैं, ट्रस्ट क्रिएट की जाएगी, उसका एक ट्रस्टी बनाया जाएगा, बाकी सब मेंबर होंगे, तो इस तरीके से ओनरशिप का सिस्टम चलता है यहाँ पर। फिर बात की जाती है प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। देखिए करेक्ट है, जो मेन चीज है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करते हैं बट मेन ऑब्जेक्टिव की तरह लेकर के नहीं चलते हैं कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो हम उसमें प्रॉफिट अर्न करेंगे, इस तरीके का सिस्टम नहीं करते हैं ये। ठीक है ना, फिर अगर हम बात करें आगे मैनेजमेंट की, तो देखिए मैनेजमेंट में अगर हम बात करें, मैनेजमेंट में यहाँ पे एक मैनेजमेंट मैनेजिंग कमेटी होती है, ट्रस्टी होते हैं, वे मैनेज करते हैं पूरा का पूरा मैनेजमेंट की हाँ किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे मैनेजिंग कमेटी में मेंबर चूज किए जाते हैं सभी मेंबर के थ्रू वोटिंग करके, और उसी हिसाब से प्रॉपर मैनेजमेंट को वो रन करके चलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है फंड्स की। देखिए अगर हम बात करें ना यहाँ पर फंड्स की, तो फंड अब यहाँ पर पैसा भैया ट्रस्ट है, अब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से ला रहे होंगे, तो उस बारे में अगर हम बात करें ना तो पैसा कहाँ कहाँ से आता है, डोनेशन। देखिए जो सोसाइटी होती है इस टाइप की उनको डोनेशन मिलती रहती है। ठीक, सेकंड थिंग जो आती है मेंबरशिप फी। देखिए सीधा सीधा सा सिंपल सा मैटर है,
मेंबरशिप फी, जो मेंबर होते हैं ना, अगर आपको इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना होता है ना, तो आपको एक एनुअल चार्ज एंट्रेंस फी वो पे करनी होती है, तो वो भी तो इनकी एक तरीके का इनकम सोर्स हो गया, ठीक है। थर्ड चीज आती है सब्सक्रिप्शन। देखिए मेंबर को, अगर आपको नेटफ्लिक्स यूज करना है तो आपको उसको सब्सक्राइब करना होता है, एक पेमेंट करके सब्सक्राइब करना होता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल। इसी तरीके से अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का फैसिलिटी का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन फी पे करनी होती है, तो ये इनकी इनकम होती है। क्लियर है? लोन ले सकते हैं। फिफ्थ होता है ग्रांट। अब ये ग्रांट देखिए, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, ग्रांट प्रोवाइड कराती है, तो वो भी एक तरीके का इनका इनकम का सोर्स होता है। क्लियर है बात? बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए हमें ये चैप्टर करना है। मेन बात यहाँ से स्टार्ट होनी है। अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन अकाउंट आते हैं। फर्स्ट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड आता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन अकाउंट होते हैं। एक्चुअलिटी में ना, पहले हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट के बारे में। इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, दो तीन क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी तरीके से यहाँ पर सिस्टम आगे चलाएंगे। ठीक है गाइज, तो देखिएगा आगे बात करेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। देखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बड़े ही ध्यान से। देखिए किस तरीके से फॉर्मेट क्रिएट होता है। फर्स्टली आपको फॉर्मेट का बड़े ही ध्यान से देखना है, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। आप लोगों ने ना 11th क्लास में कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया है ना, सेम है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपने जो कैश अकाउंट बनाया है ना, वही है एज इट इज सेम, बस नेम चेंज किया हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। रियलिटी में कैसे, ये आपकी टू साइड, ये आपकी बाई साइड। अब यहां पर किस तरीके से डेटा आता है, देखिए आपको पहली बात तो इस अकाउंट में ना, ये कैश बेस पे क्रिएट होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं चलता है यहां, आपका एक्रुअल कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, सॉरी, यहां पर आपका कैश कॉन्सेप्ट चलता है। कैश बेस पर आपको प्रीवियस ईयर का पैसा मिल रहा है, करंट ईयर का मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर का मिल रहा है, डजंट मैटर, पैसा आया है ना, पैसा रिसीव, देन आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने पेमेंट किया है नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, डजंट मैटर, पैसा गया, सिर्फ और सिर्फ इस बात को देखना है किधर आ जाएगा, बाई साइड, और कहीं पर भी नहीं आएगा। क्लियर है बिल्कुल? अब बात आती है कि किस तरीके से क्रिएट होता है। देखिए आपको ना एक डेटा दिया रहेगा, एक ओपनिंग कैश बैलेंस, जो आपकी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होगी ना, प्रीवियस ईयर की। मैं क्यों समझा रहा हूँ, सारी चीजें आगे जा करके कनेक्ट होनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बड़े ही ध्यान से समझिए। बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस
बैंक बैलेंस, ये अमाउंट आती है, ये बाहर चली जाएंगी। एक्चुअलिटी में ये जो कैश और बैंक बैलेंस है ना, ये आपकी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से लिया हुआ है। कहाँ से लिया जाएगा? ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट से लिया जाएगा। इस बात को बड़े ही ध्यान से समझिए, क्यों आगे जा करके 2-3 क्लास में आपको ये चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि हाँ, ये चीज़ें सब आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर जितना भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है, जो भी आपको पैसा रिसीव हुआ है ना, वो सब यहाँ पर आ जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। टोटल लगा दोगे आप, ठीक है। अगर आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है, करंट देखो, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का कैश और बैंक बैलेंस, तो क्लोजिंग आपका करंट ईयर की बैलेंस शीट का कैश और बैंक बैलेंस आएगा। या तो आपको दिया रहेगा तो आप लिख करके टोटल इक्वल आ जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ है ना तो आप 2 साइड का टोटल ज्यादा आएगा, यहां से 22 साइड माइनस करोगे और ये आपका आंसर में निकल के आ जाएगा। मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है, बाई बैलेंस सीडी कैश बैंक। अब दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन, ठीक है गाइस। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं बुक यूज कर रहा हूँ, TS ग्रेवाल Volume 1, ठीक है, Chapter 1 आपका चल रहा है ये, उसका क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा पहले। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको ये साथ के साथ लेकर के चलना है। आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब शेयर कर दूंगा, आपको स्क्रीन पर आती रहेगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको उससे मैच करके आप पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि कैश इन हैंड दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिविंग बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडिंग एंडिंग 31 मार्च 2020। आपको सबसे पहले कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल यानी कि आपका, देखो आपका जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो वो आपका क्लोजिंग डेट, आपका ओपनिंग डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 19, आपका 20 आपका एंडिंग हो गया, 19 आपका ओपनिंग हो गया, तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस है, किधर जाएगा? ओनली कैश दे रखा है, तो 2 बैलेंस BD, कैश में अमाउंट दी हुई है 4390, 4390, ये सीधी बाहर जाएगी, अमाउंट अंदर नहीं आएगी, क्लियर। देखिए, इस चैप्टर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि भैया क्या इनकम है क्या खर्चा है, पता नहीं चलता है, तो उसी के बारे में उन्हीं चीजों को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। देखिए क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपकी इनकम मानी जाएगी, आपके पास पैसा आ रहा है, मेंबर आए हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली है, सब्सक्राइब किया है, तो यहाँ पर पैसा रिसिप्ट माना जाएगा। टू सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट दे रखा है? अमाउंट है 37,600। आफ्टर डेट अगर आप देखें तो दे रखा है डोनेशन, डोनेशन भी यहाँ पर आपकी इनकम मानी जाएगी, यानी कि आपको पैसा रिसीव हो रहा है, आपको सिर्फ रिसीव और पे देखना है। डोनेशन 8,000, आफ्टर डेट एंट्रेंस फी, एंट्रेंस यानी कि ये भी आपका पैसा रिसीव है, एंट्रेंस फी दी हुई है, ये आपकी दी हुई है 4,300। आफ्टर डेट रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव, पैसा रिसीव हो रहा है, टू रेंट रिसीव 5,250। आफ्टर डेट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तो किधर आएगा? बाई साइड, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
ये आपका आएगा 3440, 3440। फिर आता है आपका टैक्स पेड, तो पे हो रहा है बाय टैक्स पेड, ये है आपका 490। आफ्टर डेट सैलरी पेमेंट है बाई सैलरीज 21,500, 21,500। आफ्टर डेट ऑनोरियम टू सेक्रेटरी, देखिए सेक्रेटरी को एक ऑनोरियम दिया जाता है, तो ये आपका एक्सपेंस माना जाता है 2,500। यहाँ पर यही चीज़ों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्या आपका इनकम है और क्या आपका एक्सपेंस, तो आपको उन्हीं चीज़ों को फोकस करके चलना है, आपको ज़्यादा इधर उधर देखना ही नहीं है। फिर बात आती है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये रिसीव हो रहा है तो इधर आएगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 2,950। आफ्टर डैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, पे हो रहा है पैसा जा रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आपका है 350। आफ्टर डैट पेटी कैश एक्सपेंस, पे हो रहा है पैसा गया तो इधर आएगा 900। आफ्टर डैट लास्ट पॉइंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो एक्सपेंस है पे हो रहा है तो इधर ही आएगा, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको टू साइड का टोटल कर लेना है, ठीक है। टोटल आया 62,490, 62,490 माइनस कर देंगे बाई साइड, ये आपका आ गया 33,000। नेम दिया जाएगा बाय बैलेंस सीडी कैश बी ओब्लिक एफ बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये जो कैश बैलेंस आया है ना, ये आपका करंट ईयर की बैलेंस शीट का कैश बैलेंस है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है, इसमें आप आगे के क्वेश्चन ट्राई कीजिए और उनको करके देखिए, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। टीएस ग्रेवाल इसलिए यूज़ की जा रही है क्योंकि ये कॉमन बुक होती है, मोस्टली सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल डेली इसी तरीके से क्लासेस आएंगी, कल हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के बारे में और क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ टॉपिक समझेंगे रफली, क्वेश्चन भी करेंगे प्रॉपरली और उसको तरीके से समझ करके चलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को रेगुलर वे में देखिए और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।